सर यू कैन स्टार्ट सर नाउ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ललित और स्वागत करता हूं अपनी पूरी टीम के साथ, क्योंकि अब आपके सामने हम जुड़े हैं एक और नए बैच को लेकर के, जहां पर एमपीटेट वर्ग दो में फिर से हमने ठाना है कि नौकरियां आपको दिलवाना है। एमपीटेट वर्ग तीन की सफलता के बाद सभी एडवोकेटर्स यहां पर जुड़े हैं एक पूरे नए जोश और जुनून से। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं ऑलरेडी 25+ स्टूडेंट्स अनअकैडमी से सेलेक्ट हो चुके हैं एमपीटेट वर्ग तीन में, तो फिर एमपीटेट वर्ग टू में तो 50 नहीं प्लस 100 का टारगेट हम लेके चले हैं। और आपकी सफलता के लिए हम आपके सामने जुड़ चुके हैं। आपको बता दे दोस्तों, पहले मैं छोटा सा आपको दिखा देता हूं अपना बैच हम जो लॉन्च करने वाले हैं। आपके स्क्रीन पर होगा एमपीटेट वर्ग टू कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट बैच जो स्टार्ट हो रहा है आज से, और आप सभी लोगों का इसमें भरपूर स्वागत है। बेहतरीन तरीके से सारी टीम आपके साथ जुड़ी है और यहाँ पर एक जोश, और क्योंकि जब रिजल्ट आता है अच्छा तो बच्चा तो खुश होता ही है, उसका शिक्षक उससे ज्यादा खुश होता है, और उसी जोश को लेकर के सारे एडुकेटर्स यहाँ पर जुड़े हैं। तो मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ ही जुड़े हैं अभी, बाकी लोग जुड़ने बाकी हैं, भावना मैम और शरद सर। तो मैं सीधा चलूंगा आप लोगों के पास, क्योंकि हमारा नया बैच एमपीटेट वर्ग दो के लिए लॉन्च हो चुका है, आज से लाइव है। तो भावना मैम, क्या स्ट्रेटेजी है आप लोगों की इस बार, क्योंकि मुझे लग रहा है सब लोग एकदम चेहरे देखकर जोश और जुनून में हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है किसी भी प्लेटफॉर्म पर कि इतना बड़ा रिजल्ट हम लोगों ने दिया है। भावना मैम। बिल्कुल सर, पहले तो सभी बच्चों को नमस्ते, हेलो, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। तो अभी एक बिल्कुल सर ने बहुत ही ज्यादा सही बात बोली कि एमपीटेट वर्ग तीन में जो बच्चों ने धमाका मचाया है सर, मजा ही आ गया देख के रिजल्ट तो, और उसी की वजह से बच्चे तो जोश में है ही और हमारा जोश तो अब होश खो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग तो और भी ज्यादा एंथुजियास्टिक हो रहे हैं कि अब तो वर्ग दो में इससे तो दो गुना क्या, तीन गुना, चार गुना रिजल्ट लेकर आएंगे। तो जितना ज्यादा बच्चे मोटिवेट हुए उससे कई गुना ज्यादा मुझे लगता है हम सभी लोग अब काफी ज्यादा मोटिवेट हो चुके हैं। तो मेरी तो यही स्ट्रैटेजी है जो मैं हमेशा से बच्चों से कहते आई हूँ कि सबसे पहले तो हम लोगों को मार्किंग स्कीम देखनी है कि हम लोगों को साइंस जो है वो एमपीटेट वर्ग दो में आएगी 120 नंबर की, तो काफी बड़ा नंबर है। सीटेट में आप लोगों को मालूम है 30 नंबर का आता है, यूपीटेट 30 नंबर, लेकिन एमपीटेट थोड़ा अलग चला गया है। मतलब 120 नंबर काफी बड़ा नंबर होता है, तो जितनी मेहनत हम लोग सीटेट या यूपीटेट में करते हैं तो उससे हमें कम से कम चार गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, चार गुना ज्यादा टॉपिक्स में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे एनसीईआरटी के ही बिल्कुल पैटर्न पर चलेंगे। दूसरी बात ये, थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ेंगे, जो चीजों को हम लोग सोचते हैं कि नहीं कोई बात नहीं छोड़ देते हैं, लेकिन अभी उनके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मार्क्स बहुत ज्यादा है, मतलब वो लोग कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अभी कोई भी चीज को हल्के में नहीं लेना है, हर चीज को इम्पोर्टेंस में लेना है, और काफी डिटेल स्टडीज रहेंगी, क्वेश्चन आंसर्स तो होने ही है, बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी। तो PYQs, MCQs, इन सब को ध्यान में रखते हुए साइंस का जो पूरा हमारा सिलेबस रहेगा उसको कवर अप किया जाएगा। तो क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं, आप लोग ज्वाइन करो। बैच तो आज से लॉन्च हो चुका है और स्टार्ट हो चुकी है क्लासेस, तो ऑल द वेरी बेस्ट सभी बच्चों को। जैसे वर्ग तीन में झंडे गाड़ के आए हैं, ऐसे दो में तो डबल झंडे गाड़ने। तो इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। So, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे बोलने की आवश्यकता नहीं है, जो जोश आवाज में बुलंदी है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जुनून और एंथुसियाज्म इनके अंदर कूट कूट के भर चुका है। ये सिर्फ आप लोगों की देन है। शरद सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं बैच के बारे में तो बाद में बात करूंगा, जो हमारा 3 तारीख से आज से लॉन्च हो रहा है उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि सर आपको कैसा फील हो रहा है जब आपके बच्चे आपको मैसेज कर सर वी गॉट सेलेक्टेड। बहुत अच्छा सर, जैसा कि मैम ने बताया और आपने बताया, मतलब रोज अभी तो जो स्लाइड आई है अनअकैडमी के पास लगभग 30-40 बच्चों की, अभी सर रोज रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब रोज मेरे पास मैसेज आ रहा है सर मैं सेलेक्ट हो गया सेलेक्ट हो गया। तो मुझे लगता है कि 60-70 बच्चे लगभग यहाँ से सेलेक्ट हुए और काफी अच्छा रहा है, बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा है MPTET TET वालों का, जो भी लर्नर जुड़े हुए। तो मैं भी उसी तरीके से चाह रहा हूँ कि MPTET वर्ग दो में भी ऐसे ही बिल्कुल झंडे हम लोग गाड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग जो भी सब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे, जैसे TET लेवल का लगभग ये हो जाता है वर्ग टू, भावना मैम है साइंस के लिए, आप है सर मैथ के लिए, मैं हो गया इंग्लिश के लिए, तो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर हो रहे हैं जिसका जो भी सब्जेक्ट है। कोई पूछ रहा था सर SST के लिए, तो सारे बच्चों सब मतलब सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर हो रहे हैं,
एसएसटी हो गया, संस्कृत हो गया, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस और जितने भी हैं, उर्दू तो नहीं है यहाँ पे फिलहाल, उर्दू के इतने ज्यादा बच्चे भी नहीं है, तो ये सारे सब्जेक्ट टॉपिक कवर हो रहे हैं और हम लोग बहुत अच्छा करने वाले। आप लोग आज से बैच ज्वाइन करिए, आज से मेरा और ललित सर का शायद बैच ज्वाइन मतलब लॉन्च हो गया है और आगे भी ये बैचेस जो है आते रहेंगे जी। थैंक यू अखिलेश, हमें बधाई दे रहे हैं। थैंक यू ललित सर, बोथ सीटेट पेपर क्वालिफाइड, कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स ऑल अबाउट यू, क्योंकि आप लोगों ने इसका मेहनत किया है। टीचर सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है, उस पर चलने की जिम्मेदारी उन सभी बच्चों की होती है, इसलिए सभी का सिलेक्शन नहीं होता है, चुनिंदा लोगों का हाथ है जो रेगुलरिटी रखते हैं, जो लगातार क्लास में आते हैं, लगातार क्लासेस को लेकर के प्रैक्टिस करते हैं। अब सबसे बड़ा हमारा जो व्यवस्था यही है कि भाई अब हमारा रिजल्ट आने वाला है तो हम डर रहे हैं, लेकिन जब पेपर का नोटिफिकेशन है उससे पहले पढ़ना हम चाहते नहीं है, जिस दिन हमारा एडमिट कार्ड हमारे हाथ में आता तब हम पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजी बदलना होगा, क्योंकि अब जो एग्जामिनेशन है वो इस तरह के हैं कि आपको एक महीने पहले नोटिफिकेशन आएगा और सेकंड मंथ में आपका एग्जाम हो जाएगा, जैसे केवीएस में धमाका हुआ अभी। तो मेरा सभी से अनुरोध है पर्सनली कि ये बैच हमने लगभग दो महीने का निकाला, क्योंकि अप्रैल के लास्ट वीक में 26 को शायद एग्जाम होगा, उस एग्जामिनेशन में आप लोगों को करना है बहुत अच्छा। जैसे सर ने कहा मैं मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स करूंगा, बहुत सारी चीजें, अगर आपको लगता है कि कोर्स में कुछ टॉपिक छूट जाते हैं तो यहाँ पर सब लोग आपके साथ जुड़े, आप जानते हैं कि यहाँ पर हम दिल से जुड़ने वाले लोग हैं, फेफड़ों से जुड़ने वाले लोग नहीं है। अगर आपने कहा क्लास चाहिए, सिलेबस छोटा है, तो उसको स्पेशल क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, ये मैं मानता हूँ। भावना मैम ने कितनी क्लासेस ऐसी ली है, शरद सर ने कितनी ऐसी क्लासेस ली है जो किसी एक बच्चे ने बोला सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया मुझे बता दो, तो ये डाउट क्लियरिंग सेशन का जो सिलसिला यहाँ पर अनअकैडमी पर हम लोग चलाते हैं, तो आप देख सकते हैं उसमें कोई बच्चा नेगेटिव नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। अखिलेश ने मुझे सपोर्ट किया है, जी सर, थैंक यू अखिलेश। तो सर आपका इंग्लिश का पूरा एक विषय है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आप लोगों की कि भाई इन बार बच्चों को ऐसे समझाना, क्योंकि कंप्यूटर में तो हमने बहुत मेहनत किया, तो क्या इस बार मेहनत करने का मूड डबल है कि ट्रिपल है? नहीं नहीं सर, जितनी हो सकेगी उतना करेंगे, पूरा एफर्ट करेंगे, जैसे अभी केवीएस वालों के साथ किया है, सीटेट वालों के साथ, हम लोगों ने सांस नहीं लिया है, सीटेट आया फिर उसके बाद केवीएस आया और उसका परिणाम भी सामने आप देख ही रहे, कमेंट बॉक्स में देख रहे हैं, अभी बहुत सारे बच्चे तो नहीं जुड़ पाए यहाँ पे, नोटिफिकेशन शायद नहीं गई है, तो उसका परिणाम भी है सामने सभी के, तो हम लोग करने वाले अच्छा करेंगे और इसी तरीके से हम भी टेट वर्ग टू में करेंगे। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ इंग्लिश की सर, तो एमपीटीटी वर्ग तीन में हम लोगों का जो सिलेबस था उससे यहाँ पे दोगुना सिलेबस आना है। दोगुना का मतलब यहाँ पे सारी चीजें ये पूछ रहा है, जैसे कि इंग्लिश में पैडागॉजी पूछ रहा है, इंग्लिश पैडागॉजी जो सीटेट में आता है पूरा, ग्रामर पूरी पूछ रहा है, पूरी वोकैब पूछ रहा है, वोकैब इन द सेंस सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम फ्रेज फ्रेजल वर्ब, सारी चीजें सर पूछ रहा है। इसके अलावा कुछ चीजें और भी एक्स्ट्रा दी गई हैं, ऐसे का यहाँ पे दिया गया, ऐसे भी पूछ रहा है, प्रेसी पूछ रहा है, तो ये सारी चीजें सर हम लोगों को करनी पड़ेगी और टीजीटी लेवल का एग्जाम है, तो ऑब्वियसली बात है कि सर सारी चीजें ही हम लोगों को यहाँ पे अच्छे से ठीक ढंग से करनी होगी। जिन लोगों ने केवीएस की तैयारी की है सर, मैं ये मानता हूँ जिन्होंने केवीएस जो तैयारी की है टीजीटी लेवल की, उनके लिए बहुत बड़ा मौका है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। भावना मैम आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं भावना मैम बहुत अच्छे से साइंस पढ़ाते हैं और सरस्वती बेस्ट टीचर इंग्लिश और संस्कृत के हमारे महाप्रकांड पंडित प्रकट हो चुके हैं, सभी को तुम नमस्कारम करोति, संस्कृत मेरी अच्छी नहीं है सर, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपसे बोलूं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आपका डंका बजा है पूरी दुनिया में, बच्चे कह रहे हैं सर ने संस्कृत बहुत अच्छा पढ़ाया है, ईवीएस तो आपने पढ़ाई साथ में, लेकिन आप संस्कृत के लिए जो है हमारे लगता है प्रकांड पंडित बन चुके हैं, और जैसे कि अमित सर सीधे आए हैं क्योंकि समय बहुत कम है बच्चों के साथ जुड़ने के लिए, आपके पास सीधा आऊंगा बाद में, भावना सॉरी 2 मिनट बाद आऊंगा आपके पास। मैं ये जानना चाहूंगा अमित सर, अभी एमपीटेट वर्ग तीन में आपने पूरा तहलका मचाया, बहुत सारे 70-80 बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं और सबने गवर्नमेंट जॉब पा भी ली है, तो मैं ये मानना चाहूंगा कि अब की बार जो एमपीटेट वर्ग दो की प्रिपरेशन के लिए हमारे बैच लॉन्चेस हुए उसमें क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, कैसे बच्चों को पकड़ के आप नौकरी दिलवाने वाले हैं, सीधा सवाल ये है सर। सीधा सीधा अगर स्ट्रेटजी पे आए तो सर सीधा सीधा स्ट्रेटजी यही रहती है कि पहले हम लोग कंटेंट पे फोकस करेंगे, जो भी सिलेबस है उस पर फोकस करते हुए सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद जो मॉडल टेस्ट पेपर है उन पर वार्ता करेंगे, जिससे कि जो जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो पहले थ्योरी बेस्ड होते हैं। बच्चा क्या करता है सर, बच्चा पोल पर ज्यादा फोकस करता है कि सर पोल मिल जाए, क्विज मिल जाए और बस वो पोल 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 खेलता रहता है, वहां पे वो केवल अपनी विन विन प्रोबेबिलिटी को देखता है लेकिन वो अपनी कमियों को फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करता है। तो पहले हम कोशिश करेंगे कि बच्चे का जो माइंड सेट है वो पहले थ्योरी पर जाए कि हम जहां से क्वेश्चन बनने हैं
वो चीज हमें पता हो, जब हमें ये पता रहेगा कि क्वेश्चन यहाँ से बनना है, हमको सॉल्यूशन यहाँ से मिलेगा, तो अगर बच्चे की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो कोई भी क्वेश्चन आपको हरा नहीं सकता है, ठीक है। और जो भी एनईपी जो नया आया है उस सत्र को भी हम लोग वहां पे इंक्लूड करेंगे। एमपी टेट में बहुत सारे बच्चे जो पास हुए हैं उनसे भी जो फीडबैक मिला है वो चीज यही निकल के आया है कि अगर थ्योरी पूरी कंप्लीट तरीके से हम लोग तैयार कर लेते हैं, थ्योरी वाला जो वो अच्छा है, अगर कॉन्सेप्ट थ्योरी पे हम फोकस कर लेते हैं तो फिर क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं जाता है, ठीक है। तो उसी चीज पे फोकस करना है सर हमको, थ्योरी का फोकस करना है। बिल्कुल अमित सर, एक्चुअली मैं भी ये कहना चाहूंगा, जब एमपीटेट वर्ग 3 का एग्जाम हुआ था तो पूरी दुनिया में, पूरे एमपी में ये तहलका था कि सर सिलेबस में तो कुछ है ही नहीं। ये मैं प्रूफ देके बोलता हूँ, मेरे बच्चे जुड़े हैं साथ में, वो जानते हैं। मैं बार बार बोलता था सिलेबस पर मत जाओ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो, जो मैम पढ़ा रही है वो पढ़ो, जो हमें सर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, सर सर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, सिलेबस के चक्कर मत पढ़ो कि सिलेबस में ये नहीं लिखा है वो नहीं लिखा है, और जब पेपर सामने आया तो सिलेबस कहीं और चला गया, सब कुछ आपको मिला जो आपको पढ़ाया गया था, बियॉन्ड द लिमिट जाकर आपको मिला। ये मैंने नोट किया है, ये ऑब्जर्व किया है, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे थैंक यू भी बोला इस बात के लिए बाद में कि सर आपने जो बताया वो मिला। एमपीटेट वर्ग 2 में आपने देखा एनईपी बहुत पूछा गया था, ये आप सब जानते हैं कि एनईपी पक्का पूछा गया था, उस समय की बात है जब ये पेपर हुआ था। और लेकिन अब एनईपी पूरा लागू हो चुका है, तो भाई आप सभी लोग एनईपी को भी विशेषता सभी विषयों में लेकर के पढ़े, एक सेपरेट चैप्टर रखे, 2-3 नंबर आपको मिलेंगे उसमें भी, मेरा मानना है। तो अब जो है ये बात आती है कि पूरा बैच हम देने वाले हैं बच्चों को, और सारे बच्चे जोश में भी हैं, तो मुझे लगता है कि ज्यादा इस बैच को एक बार दिखा देता हूं सभी बच्चों को, जिससे कि सब लोग जान पाएं। इस बैच में सभी चीजें आपको करवाई जा रही हैं, जैसे कि अब मैं लेफ्ट से चलूंगा, अमित सर आपको पढ़ा रहे हैं संस्कृत का पूरा बैच, मैं मैथमेटिक्स करा रहा हूँ, राम सर हिंदी करा रहे हैं, दीपक सर यहाँ पर आपको कंप्लीट CDP कराएंगे, शरद सर इंग्लिश, भावना मैम साइंस, और सॉरी चंचल सर रह गए वो आपको SST। तो यहाँ पर एक कंप्लीट सिनेरियो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आज से लागू 6 बजे मेरा बैच शुरू है, आज शाम को 6 बजे मेरा पहला क्लास सेशन में होगा। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, जुड़ें, और YouTube पर भी हम आपके लगातार बने रहेंगे और आपके साथ लगातार नए नए सेशन देते रहेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपसे बताया कि हर एक टीचर कोशिश करता है बियॉन्ड द लिमिट जाकर आपका सिलेबस कंप्लीट, ये MPTET में भी हुआ, लास्ट में बच्चे बोले सर स्पेशल क्लास लगाओ, हमें अलॉट थी कि हमें 25 क्लास लेने, हमने पता 75 ले डाली, डेली सुबह शाम क्लास चल रही थी, है ना। तो एमपी अखिलेश ने कहा MPTET मैथ डिट्टो आया ललित सर का पेपर, मैं इसका लगा रहा था कि सर क्लास के पेपर बनाए हुए हैं। ये मुझे कमेंट मिले थे कि सर मुझे बताओ आप लोगों का MPTET वाला सेटिंग तो नहीं कर ली है, बोला क्यों क्या हुआ, बोला सारा पेपर वही है बेसक, आपने सिलेबस के बाहर पढ़ा अंदर पढ़ा मिला। तो ये सब हमारा नहीं, ये सब एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम पिछले 12 वर्षों से इसी क्षेत्र में हैं, तो जानते हैं कि कहाँ कहाँ से चीजें निकल सकती हैं। ऐसी मैम का भी मिला, सर सर का भी मिला, अमित सर का भी मिला, तो ये सब लोग जुड़ करके आपके साथ जुड़े। तो लास्ट में बस 5 मिनट की बात मैं रखूंगा, 2-2 मिनट सबके पास आऊंगा, और मैं पूछूंगा कि अगर सर मान ले 2 महीने का समय है, और आप भी जानते हैं बच्चे भी जानते हैं डबल मेहनत करना है, तो क्या आप सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे इस 2 महीने में। मैं एक एक करके आऊंगा, पहले मैं सर सर से चलता हूँ, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, मान लिया नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे। एग्जैक्टली सर, मैं पूरा प्रयास करूंगा और पूरा सिलेबस कवर भी होगा, जैसे भी KVS वालों के पास ज्यादा टाइम नहीं था, लेकिन हम लोगों ने पूरा सिलेबस कवर किया है। और KVS के कोई भी बच्चा आप पूछ लीजिए, इतने सारे नोट में थे, वो ये कहेंगे सर वही पेपर आ गया, लगी नहीं रही कोई चीज बाहर से आई है, एक एक सिनोनिम एक एक एंटोनिम तक सर मतलब आया हुआ है। बिल्कुल सर, सर मैं यही जानना चाह रहा हूँ, मान लिया फॉर एग्जांपल सिलेबस बहुत बड़ा है और आपको कुल मिलाकर के 60 लेक्चर मिलते हैं और 60 में कवर नहीं होता है, तो क्या आप एडिशनल क्लास देने के लिए तैयार हैं बच्चों को? मैं यही सोच रही थी जब आपने क्वेश्चन पूछा कि इसका सबसे सही जवाब क्या होना चाहिए। बेसिकली मतलब अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं 120 नंबर और उसमें मुझे बायोलॉजी भी कराना है, फिजिक्स केमिस्ट्री और पेडागोजी भी, तो एक तरह से मेरे पास 4 सब्जेक्ट है, साइंस अकेला नहीं है, 4 सब्जेक्ट आ जाते हैं उसमें, और 4 इतने ज्यादा मार्क्स हैं। और अभी मैंने सिलेबस मतलब बहुत ही ज्यादा जो भी लेटेस्ट जो भी अपडेट आया है MPTET का, तो सिलेबस अगर हम कंपेरिजन करें सो इट इज जस्ट लाइक जैसे हम लोग CTET में पढ़ते हैं, UPTET में पढ़ते हैं, कुछ हद तक सिलेबस वैसा ही है, थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है। तो यही स्ट्रैटेजी रहेगी जैसे कि आपने बोला कि हम लोगों क्या करना है कि मेन तो जो हमारे पास कोर्सेज में समय है उस पर फोकस करेंगे। इसके अलावा बच्चों देखो ये ना अथार समुद्र है, कितना भी हम लोग करें
ये वही बात है कि बस डूबते जाना है, ठीक है। तो हमें इसके लिए यही है कि जितना हम कवर अप कर सकते हैं, विल ट्राई टू अप टू मैक्सिमम 100 नहीं 200% सिलेबस कवर अप करेंगे। लेकिन फिर भी इन केस कुछ रह जाता है, जैसे कि अभी आप मेरा यूपी टेट का कोर्स देख रहे हो, तो उसमें मेरे कुछ को टॉपिक्स हैं जो एमपी टेट में मतलब ज्यादातर आने वाले कुछ हैं जो नहीं इंक्लूडेड है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? या तो हम लोग कोई सेपरेट कुछ आवर्स फिर से आपको कोई कोर्स निकाल के देंगे, या स्पेशल क्लास में उसको कवर करेंगे, या तीसरा तरीका है कि हम क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में उसको कवर करें। तो क्वेश्चन आंसर्स एक ऐसा तरीका है जिस जो कि आपको काफी सारी चीजें कवर अप करा देता है। तो वही मैंने बताया, एक पूरा समुद्र है, बस तैरते जाओ, डूबते जाओ, और इसको जितना पढ़ोगे आपको लगेगा अरे अभी थोड़ा और बाकी, अभी थोड़ा और बाकी है। तो वो थोड़े और की इच्छा रखते हुए हम लोगों को इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों की सिलेबस की तैयारी करानी है। बस इतना है कि आप लोग जुड़ जाओ और थोड़ा हम लोगों पे भरोसा रखें कि हम लोग आज तक पेपर क्लियर कराते आए हैं, तो ये भी अच्छा ही जाएगा। तो जो जो सभी टीचर्स बताएं तरीके, बस उनको फॉलो करो, हर क्लास में आओ। पहली बात, बहुत सारे बच्चे हैं जो बोलते हैं रिकॉर्डिंग देख रहे हैं मैम, रिकॉर्डिंग देख के कुछ नहीं, लाइव क्लास में आओ, डाउट्स पूछो, हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। कुरेद डालो कि ये क्या है, वो क्या है, तो हमें उससे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, हमने जो पढ़ाया है उसको समझ में आ रहा है। तो ये आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं रात गई बात गई क्लास खत्म और इसके बाद कुछ मतलब नहीं। तो ज्यादातर बच्चे अभी इसी स्ट्रेटेजी में चल रहे हैं, थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, जो पढ़ाया जाए उसे डिटेल में पढ़ना है, और जैसे जैसे प्रोसेस वाइज हम करा रहे हैं उसको फॉलो करो, एग्जाम पक्का क्लियर होने वाला है। अब जी मैम, एक मिनट रुकूंगा मैं आपको, बस वैसे आपने खत्म किया अपना टास्क। एक्चुअली कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमें कैसे ज्वाइन करना है, एमपी टेट का कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है, आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे सारे बेहतरीन एडुकेटर का फोटो लगा हुआ है और आपके समक्ष ये सब लोग जुड़ने वाले हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां से ऐप का लिंक, ऐप को डाउनलोड करना है, ऐप डाउनलोड हो जाएगी और साथ में आप वहां पर अपना सब्सक्रिप्शन लेकर शुरुआत कर सकते हैं। स्पेशल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ज्यादा कॉस्ट नहीं है सब्सक्रिप्शन की, लगभग 2000 रुपए या 2200 रुपए के आसपास है, जो पूरा एक वर्ष का है। इसमें बाकी एग्जाम भी आएंगे, वो भी कवर आपके कर दिए जाएंगे। तो आप लोग एक छोटे से मामूली से अमाउंट को इन्वेस्ट करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। ये बेहतरीन मौका आपके पास है, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो और उसी पर जाकर के आप आसानी से अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक इंटरप्ट करना चाहूंगा थोड़ा सर, आई थिंक ये स्लाइड नहीं दिख रही है। वेट ए मिनट सर। अच्छा स्लाइड दिख नहीं रहा है, एक मिनट रुकिएगा सर। अभी विजिबल है सर? नहीं सर, नहीं सर अभी विजिबल नहीं है, और आपकी मतलब स्टक हो गया आपका वीडियो। एक मिनट रुकिए, मैं रिफ्रेश करता हूँ सर, जी एक मिनट रुकिएगा। सर सर आप जब तक बात करिए मैं आता हूँ, एक मिनट में। जरूर जरूर, ठीक है बच्चों। तो भाई एक एक चीज कवर होगी, जैसा कि मैम का है या अमित सर है, सारे लोग हैं, मतलब ये आप खुद ही समझ सकते हो, टीजीटी लेवल का एग्जाम है, सीरियस होकर के पढ़ना पड़ेगा। और सेकंड थिंग ये है, एक एक चीज कवर करनी पड़ेगी, इंग्लिश हो, साइंस हो, कोई भी हो, जो भी जिसका जो 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 सब्जेक्ट हो वो उस तरीके से, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन के चार्जेस पे मैं बोल देती हूँ सर, वो बीच में सर का वो हो गया जरूर था। तो देखो सब्सक्रिप्शन की चार्जेस, सर ने बहुत सही बात बोली, बहुत बहुत ही ज्यादा मामूली सा अमाउंट है। 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो लिखा गया है कि आप लोगों को 2499 है, लेकिन पूरा अमाउंट नहीं पे करना है, आप कोड लगाओ किसी का भी लगाओ और 10% ऑफ ले लो। इसके बाद क्रेडिट्स होते हैं आपके पास, क्योंकि आप स्पेशल क्लासेस करते हो और करते हो, उससे और कम हो जाता है। मैम तो बहुत मुझे लगता ज्यादा है कि मिनिमल प्राइस, बीटेक कैटेगरी में आया हुआ है शायद बैच, बिल्कुल जो बिल्कुल सीटेट कैटेगरी में आया हुआ है, बिल्कुल सही कहा सर नहीं आपने। सर एक मिनट और मैडम रोकूंगा, बच्चों की बड़ी बहुत सारी क्वेरी यहाँ पर हो रही है कि सर जो हमने पहले से सब्सक्रिप्शन लिया हुआ उसमें मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अब दोनों कैटेगरी जिसका डीटर प्लस भी में सब्सक्रिप्शन है चाहे सीटेट में, वो दोनों मर्ज हैं। आप सारे कोर्सेज चाहे सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, बीटेट, एचटेट, पीटेट, एनी कट, एपीएस, एनवीएस, जो भी एग्जाम है, पीजीटी, डीटर प्लस पीजीटी, जो भी है, पीआरटी वो सब टीजीटी सब एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको मिलने वाले। ये बहुत बड़ा कैसे ना, बहुत बड़ा त्याग रेवोल्यूशन अनअकैडमी की तरफ से हो गया है, क्योंकि आपको जगह जगह बड़ी परेशानी से, पहले सीटेट के पैसे दें, फिर एमपीटेट के दें, अलग अलग उन सबको मर्ज कर देगा, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है जी। अमित सर क्या क्या बच्चों को प्रॉज यानी डूज एंड डोंट्स करने चाहिए, फिर हम सेशन को बंद करेंगे।
क्या हमें डूज और डोंट करने चाहिए, मैंने बच्चों को कैसे पढ़ाई करनी है 2 महीने की 5 लाइन सिर्फ। जी सर, अगर सर पढ़ाई की बात आती है तो पहले तो सबसे पहला चीज है, पहला पॉइंट कि हमें क्लास में रेगुलर रहना है, दूसरी चीज हमें गैप नहीं करने है, और एक जगह पर ही आपको जुड़कर पढ़ाई करनी है। आपको ये नहीं कि आज ये वाला यूट्यूब चैनल देख लिया, इसका वीडियो अच्छा लगा ये देख रहे हैं, कल कोई नया वीडियो आ गया तो आपने उसका पकड़ लिया, तो क्या है ना कि आपका जो पढ़ने का फ्लो एक टीचर ने बनाया था, ठीक है, और आपने जो अपना फ्लो बनाया था, आपने अपना सिलेबस डिसाइड किया था, वो सिलेबस आपका टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आप उसी में लगे रहेंगे कि ये वाला टीचर सही पढ़ा रहा है, नहीं ये वाला टीचर सही पढ़ा, सरस सर से पढ़ लिया, कल पता चला कि उधर सर से पढ़ लिया, तो एक टीचर को ही आपको सही से पकड़ना होगा, उसी की क्लासेस करनी होगी, और अपनी जो प्रैक्टिस है वो आपको टाइम टू टाइम करनी होगी। अगर सेशन के हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, थ्योरी कंप्लीट के बाद यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो वो चीज भी कहा जाता है कि मतलब वो चीज खराब हो जाती है। अगर मैं इस फोन की बात करूं, ये फोन मेरा अभी नया है, अगर मैं इसे ला करके और इसे मैं क्या करूं कि मैंने इसे रख दिया, ठीक है, मैं इसे यूज नहीं कर रहा हूं, अब जब तक मैं इसे यूज नहीं कर रहा हूं तब तक ये हो सकता है कि नया बना रहे, लेकिन मार्केट में 3 महीने बाद मैं इसे लेकर आऊंगा ना, तो फिर ये फोन मेरा पुराना हो जाएगा, उस समय पर नई टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी और इस फोन का हो सकता है कि वो यूज ना बचे। तो अभी अगर आप थ्योरी, अगर आज आपका कोई टॉपिक हमने आज कंप्लीट करा दिया, तो आपको उसकी प्रैक्टिस सेशन भी ज्वाइन कर लेनी है, जिससे कि जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन कर लेंगे तो क्या होगा कि वो हमारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो मजबूत हो जाएगा और हमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट है, अब हमें इस टॉपिक को नहीं छेड़ना है। बच्चा गलती क्या करता है, या तो वो प्रैक्टिस नहीं करता सही से, उसका प्रैक्टिस का दूसरा ढंग रहता है सर, वो क्या करता है कि जो नोट्स होते हैं, जैसे उसने लिया, अगर मान लीजिए सरस सर ने पढ़ाया, तो वो उसी नोट्स को लेकर के बैठ जाता है कि मैं इससे ना रिविजन कर रहा हूं। रिविजन का हमें पैटर्न बदलना पड़ेगा, पैटर्न हमें अपना ये करना पड़ेगा कि आप ब्लैंक पेपर लो, जो आपको याद है, आपने जैसे सर ने नाउन पढ़ा दिया, तो अब नाउन के टॉपिक को आप लो, अपनी तरफ से आपको क्या क्या याद है आप वो लिखो वहां पर, तो हमें ये क्लियरिटी आ जाएगी कि भाई हमारा ये टॉपिक यहाँ पे तैयार है, आपके अपने आप ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। ये क्लासेस कब से लॉन्च होंगी ज्योति जी, तो ये क्लासेज आपकी आज से लॉन्च हो रही है, ललित सर की क्लास आज है, ठीक है, तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी क्लास 6 तारीख से है, सरस सर की क्लास भी शायद कल से शुरू हो रही है, तो सभी की शुरू हो जाएंगी आज से, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, टाइम टू टाइम आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, सब अपना एक बार टाइम बता देंगे आपको, तो आप उस टाइम पर प्लस पर क्लासेज आप आराम से ले पाएंगे। तो प्रैक्टिस करने का हमें तरीका बदलना होगा, जो हम पहले से फॉलो करते आ रहे थे, तो वो चीज आपको समस्या नहीं रहेगी, ठीक है, प्रैक्टिस आपको वही करनी पड़ेगी, ब्लैंक पेपर लेके बैठो। और मेरा प्रैक्टिस करने का तरीका भी यही है मैम। सर आप क्या कहना चाहेंगे, प्रैक्टिस का तरीका क्या होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, सभी की सर अलग अलग स्ट्रैटजी होती है हर बच्चे की, किसी को किसी तरीके से समझ आता है, किसी को किसी, तो मैं भी यही कहूंगा कि भाई मेरा जो तरीका ये रहता है कि एक बार आप कोर्स कंप्लीट कर लो और फिर जो है प्रैक्टिस पेपर करो, एनालिसिस बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, सबसे मेन चीज है एनालिसिस, 15 क्वेश्चन करो लेकिन 15 से आप 25 कैसे बना सकते हो वो आपको बताऊंगा। हाँ सर, मैं भी बस एक और बात कहना चाहूंगा, अभी समय आप लोगों के पास कम है, मैं एक चीज नोट करता हूँ कि जैसे मैंने हमने प्लस कोर्स पढ़ाया, तो प्लस कोर्स बच्चों के अंदर क्या जाती है, वो करोड़पति वाली फीलिंग आ जाती है कि हमने प्लस लिया, हम जो हैं हम करोड़पति हैं, मिलियनियर्स हैं। उनको बोलेंगे कि भाई इसका सेशन जो बच गया है वो मैं स्पेशल क्लास में कराऊंगा, प्रैक्टिस वहां जाना, तो वहां नहीं आएंगे। तो भाई समय कम है, 2 महीने का समय है, तो प्लीज सब लोग इस बात पर फोकस करें। अगर टीचर आपको बोलता है कि भाई यहाँ पर हमें आना है और हमें यहाँ पर मिलना है, तो आप सभी लोग वहां पर मिलें। मान लिया मैं कोई मैथ का टॉपिक लेके चलता हूँ, 1 घंटे में कवर नहीं हुआ, उसके क्वेश्चन पूरे नहीं हुए, तो मैंने बोला इसकी मैं स्पेशल क्लास लगाऊंगा, तो आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा और वो डेडिकेशन बहुत जरूरी है। प्लस बैच कैसे ले आते नहीं है, प्लस बैच कैसे ले आते नहीं, प्लस बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, आज से आप जुड़ सकते हैं, आज से बैच लॉन्च है, आपकी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे आ गया होगा, तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच नाउ। तो सर कुछ और कहना चाहेंगे आप, या फिर लर्नर्स को पिन कर दिया गया, आई थिंक ये पिन हो जाएगा अभी कमेंट सेक्शन में। वन मोर सर, शरद सर एक क्वेश्चन हो रहा है, पैडागॉजी, सारी पैडागॉजी कवर होगी, कोई भी सेशन आपका नहीं बचेगा, ऑल पैडागॉजी शुड बी कवर्ड, सारी पैडागॉजी को कवर करेंगे। मान लिया कोर्स में नहीं होता है तो आपको पैडागॉजी का सेपरेट कोर्स दे देंगे, या फिर 500-600 क्वेश्चन बना करके लगातार स्पेशल क्लासेस में कवर करा देंगे, कुछ भी नहीं बचेगा ये मेरा मानना है। और सभी एडुकेटर्स जानते हैं कि अपना कोर्स कैसे पूरा कराना है, समय कम है, लगना है। जी सर
जी सर, वो तो दीपक सर की बच्चे की हो तो पूछ सकते हैं, हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, फिर हम करते हैं बाय बाय, जब तक कोई भी अपने विचार रख सकता है। जी सर बताइए मैम, आप भी बताइए। सर जैसे कि अभी अच्छा स्क्रीन पे आई थिंक शेयर हो गया है, बिगिन द पैम्फलेट राइट सर। तो सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों ने ये पैम्फलेट बहुत बार देखा होगा, सभी एजुकेटर्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को कमिटमेंट की गई, तो कमिटमेंट एक बहुत बड़ी बात होती है सर। हम कहीं भी कुछ जाते हैं, कुछ लेकर आते हैं, तो भाई हमें एक होता है ना जिसको बोलते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन, या हमें लर्नर सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो लर्नर सेटिस्फेक्शन में आप लोगों को प्रॉमिस किया गया था कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे। तो एज प्रॉमिस कोर्सेज आ गए, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करना है। सो आप लोगों को जो कोर्सेज हैं वो 6 से 4 महीने का ड्यूरेशन है, उसके लिए मिल रहे हैं। बायलिंगुअल में है, मतलब मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम रहता है बच्चों का कि मैम इंग्लिश में पढ़ना है, कभी हिंदी में पढ़ना है। तो वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके आपको दोनों में क्लम कर दिया, आप इंग्लिश में भी पढ़ो और हिंदी में भी। आई थिंक ललित सर भी यही सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं, मैंने देखा है सर को, साथ इंग्लिश का एडुकेटर हूँ, तब भी बच्चे बोलते हैं एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश ऐसे लिख दो। अब तो बच्चे बोलते हैं कि सबको बायलिंगुअल पढ़ाओ, अब सर हमें प्रॉब्लम नहीं है अगर हम सिर्फ इंग्लिश में, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाना है, चार लाइन बोलेंगे, पीछे बच्चा बोलेगा सर जी हम अमेरिका से थोड़ी हैं, हम तो देसी हैं भाई, हम हिंदी में पढ़ाते हैं, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन मैनेज करेंगे, दोनों स्लाइड होती हैं, बायलिंगुअल होती हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए आप लोगों को बायलिंगुअल में मिलेगा, मतलब हम लोग आपको दोनों लैंग्वेज में अपनी तरफ से 101% कोशिश करेंगे पढ़ाने की, ताकि आप लोगों का सब पूरा जो सिलेबस है वो आपकी कंफर्ट जोन के हिसाब से कवर हो। तो ये एक बड़ी चीज है। तो इसके साथ साथ आप लोगों का कोर्स तो लॉन्च हो ही गया है, तो अब आप लोगों ने बस सब्सक्राइब करना है और सेशंस में आना है, रेगुलर आना है। तो सर ने बहुत सही बात बोली कि ना बच्चे सच में अपने आप को मिलेनियर समझते हैं, प्लस लेने के बाद उन्हें स्पेशल क्लास से कोई मतलब नहीं रहता। तो ये एक गलत धारणा है सबकी, इसको चेंज करना पड़ेगा कि आपको ना ही सिर्फ प्लस क्लास करनी है, प्लस तो करना ही है क्योंकि आपने मुझे उसके लिए पे किया है, ठीक है। दूसरी बात, आपका कॉन्सेप्ट का जो एक कॉन्क्रीट बिल्डअप है, जो आपकी नींव रख रहा है, वो है आपका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आता है तो आपके ऊपर कुछ भी बना दिया जाए वो आप संभाल लोगे, ठीक है। तो वो हम लोग आपको प्लस में दे रहे, लेकिन प्रैक्टिस करनी है, समय थोड़ा कम है। अब जैसे मैं हर रोज आपके साथ स्पेशल क्लास ले रही हूँ, हम लोग अनअकैडमी शिक्षा पर डेली 1-1 घंटा पढ़ाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नए मिलते हैं, कभी कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा। उसका कारण सिर्फ यही है कि हम चाहते हैं बच्चे प्लस पे पढ़े, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस वहां भी करें, लेकिन कुछ स्पेशल क्लास और YT पे करें। तो आपको सब जगह आना पड़ेगा, और 2 महीने की बात है, लग के पढ़ लेते हैं, उसके बाद तो जॉब मिल जाएगी, फिर तो ऐसी ऐसे। मेरा भेजा है मैडम के इतने कम टाइम में सिलेबस पूरा होगा, अभी नहीं, इसी पर चर्चा हो रही थी कि सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, सब एडुकेटर्स अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं, और उसके अलावा अगर क्लास कम पड़ती है तो आपके लिए स्पेशल क्लासेस लगाई जाएंगी, और ज्यादा स्पेशल क्लास लगाई जाएंगी, कोई पैडागोगी बन जाता है तो उसके अलग से कोर्स लाया जाएगा। तो चिंता ना करें, आपका पूरा कंप्लीट कोर्स होगा, जहां तक हम में है दम तब तक करेंगे, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन अब सिलेबस मान ली, हम तो पढ़ा देंगे, आपको कितना समझ में आता उसको भी हमें देखना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, पूरा कराएंगे, जो भी जैसे भी केवीएस वाले बच्चों से आप लोग पूछ सकते हो, 2 महीने का टाइम था, इवन उससे भी कम था, हम लोगों ने पूरा पूरी जान लगा दी है ना, और पूरा सिलेबस कराया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, अभी रिजल्ट भी देख लीजिएगा आप लोग। सर मैं बताता हूँ आपको, सरस सर अभी क्या हुआ, पिछले संडे मैं घर पे था तो बच्चे बोले सर हमारे ये टॉपिक बचे हुए हैं, आप यकीन करेंगे उस दिन मैंने 7 क्लास लेनी पड़ी, मुझे 7 टॉपिक बच्चों ने भेज दिए, 7 क्लास स्पेशल बैक टू बैक 1 घंटे का, आधे घंटे बाद। तो यहाँ पर सब लोग बिल्कुल एडुकेटर मेरे जैसे ही है, सब लोग कोशिश करते हैं, बिल्कुल बढ़िया। हाँ क्लास होगा, राकेश आपका सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी है, आपका क्लास होगा, PDF नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेंगे, नेहा जी हिंदी इंग्लिश बोथ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दो तरह से नोट्स मिलता है अनअकैडमी पर, हिंदी इंग्लिश में मिलेगा ही, साथ में कोई एडुकेटर समझाता, मान ली मैं मैथ पढ़ाता हूँ या सर संस्कृत में कोई संधि लिखते हैं, मैडम कोई इक्वेशन समझाती हैं, तो वो भी आप मिल सकते हैं, आपको दो तरह से PDF मिलता है, दैट इज एनोटेशन विदाउट एनोटेशन, तो आप किसी में भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिस करनी हो तो विदाउट एनोटेशन निकालें, प्रैक्टिस नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट समझना है तो विद एनोटेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को, क्लास के आधे घंटे बाद नोट्स अपडेट हो जाता है उसी क्लास में, ठीक है। तो हो सकता है सर मैंने सारे क्वेश्चन सेटिस्फाई कर दिए हैं विद्यार्थियों के, और कोई क्वेश्चन हो, CDB की क्लास दीपक सर लेंगे, ज्योति और आपकी ज्योति सोशल साइंस के लिए आई थिंक चंचल सर हैं, चंचल सर हैं, चंचल अग्रवाल सर, बिल्कुल। बाकी जिनको सब्सक्रिप्शन लेना हो यहाँ पे बैच
का लिंक जो है पिन कर दिया गया, आप लोग डायरेक्ट जा करके अब ले सकते हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो सर फिर वाइंड अप करें सेशन को। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर डाउट्स हो तो पूछ लो, नहीं तो हम लोग वाइंड अप करते हैं, है ना सर? जी सर, मैम बिल्कुल। तो फिर भी मैं बता दूं, एक जोश हमारे अंदर है क्योंकि एमपी के लिए स्पेशली बहुत सिलेक्शन दिए हैं, पूरी टीम आपके साथ जुड़ी है और एमपी वर्ग दो में भी पूरा सिलेबस के साथ जुड़ेंगे। सीडीपी की क्लास में भी इसी मंडे ट्यूजडे से स्टार्ट हो जाएगी, कोर्स लॉन्च हो चुका है सर का। मैथमेटिक्स की क्लास मैंने शुरू कर दिया 6 बजे, इसके बाद मेरी क्लास है, सर सर की क्लास है, तो सारा शेड्यूल ऑलरेडी अपडेटेड है, ऐप पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना? ओके, तो दीजिएगा हमें इजाजत। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे सफलता की क्लास के बाद, जब होगी आपकी सफलता, जब होगा चीयर्स, और जब आप करेंगे कि सर हम हो गए पास, लड्डू खिलाने आएंगे आप हमारे साथ और बैठेंगे साथ में, तब बात करेंगे बाकी लोगों से। जैसे मैंने कल अंजू से बात किया था, आपने वो इंटरव्यू देखा होगा सब लोगों ने, तो ऐसे हम आपके साथ भी करेंगे। तो दीजिएगा इजाजत, थैंक यू वेरी मच एंड मैं धन्यवाद करना चाहूंगा शरद सर, भावना मैं, अमित सर का, कि अपने कीमती समय से, ये क्लास जो होती है अपने बहुत एक वैल्यूएबल टाइम होता है क्लास का, जिसको किल करके हम लोग आपके साथ मिलने आते हैं। ठीक है ना? तो बहुत धन्यवाद आप सभी का, अनअकैडमी टीम का धन्यवाद कि उसने हमें मौका दिया आपके साथ एक साथ मिलने का, उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, मिलता हूँ 6 बजे आपकी नेक्स्ट क्लास में, सभी एडुकेटर्स मिलेंगे आपसे। थैंक यू, तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय बच्चों, बाय।